तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप LIC का पेमेंट करते हैं तो LIC का पेमेंट आप Amazon पे से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम से आप करते हैं पहले, जैसे कि अभी तक क्या चल रहा था कि आप LIC के डायरेक्ट ऑफिस में जाकर जमा कर रही है, जहां पे उसका काउंटर है। अगेन क्या था, पेटीएम से भी जमा हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसेंट था कि Amazon पे से कैसे पे करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कैशबैक कार्ड मिलता है, या फिर वाउचर मिलता है, या गिफ्ट कार्ड मिलता है, तो उसका बैलेंस आपका Amazon पे में हो जाता है, जमा हो जाता है। जब आप Amazon पे कार्ड रिचार्ज करेंगे तो वो आपका Amazon पे में जाएगा। तो आप उस पैसे को रिचार्ज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, बिल भी पे कर सकते हैं, LIC पेमेंट भी कर सकते हैं। LIC पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब नीचे जाके, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आपका ये भाई वीडियो लेके आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon पे से आप कैसे पेमेंट LIC का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंश्योरेंस का पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं Amazon पे ओपन कर लेता हूँ। Amazon जैसे ही ओपन करेंगे, Amazon पे उसी में आ जाता है जो Amazon का ऐप है, ठीक है। यहाँ पर आपको Amazon पे ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये दिख जाता है इस प्रकार से, यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो और बहुत यहाँ पर जो Amazon पे है, तो इसमें जाके आपको क्या करना है, जो नॉर्मल सा Amazon पे ऐप ही खोलना है आपको, यहाँ पे Amazon पे पे आगे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें करना है LIC का पेमेंट, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, मैं ये बताना चाहता था कि अगर किसी के पास कूपन है या किसी के पास कैशबैक है जो Amazon पे में आता है, तो ये देखिए मेरे पास 2000 बैलेंस है, 2004 रुपये। एंड मुझे इसी से और इसमें थोड़ा सा और डाल के अपना LIC का पेमेंट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं LIC। ये देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, हमें करना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट इंश्योरेंस कह रहा है, तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले ऊपर आ रहा है LIC, तो मुझे इसका ही पेमेंट करना है। बाकी और भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, तो आप इनमें से कुछ भी जाके किसी का भी इंश्योरेंस ले का पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पूछ रहा है पॉलिसी नंबर, तो मैं पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ दोस्तों। पॉलिसी नंबर डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फेच प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे जो डाटा है वो ये इकट्ठा करने लगेंगे, कब से कब का पेमेंट है। तो यहाँ पे अपना ये डाटा पूरा उठा लेंगे, एंड ये देखिए डाटा उठा लिए, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, यहाँ पे जितना अमाउंट पे करना है और कब से कब इसका ड्यू डेट है वो सब आ गया, ठीक है। एंड कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ भी है, द पेमेंट विल बी रिफ्लेक्ट इन एट इंश्योरेंस पोर्टल विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे चलते हैं, एंड यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन आ रहा है पेमेंट करने का, Amazon पे UPI, ठीक है। तो हमें UPI से ही पे करना है, तो UPI के थ्रू जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ पे अपना दूसरे UPI से भी पेमेंट करना है, तो स्वाइप टू पे पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम स्वाइप टू पे पे चलेंगे, ठीक है। एंड ये देखिए रीवेरिफिकेशन, यहाँ पे जो मेरा UPI था वो रजिस्टर नहीं था, मैं वो UPI रजिस्टर कर लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ एक मिनट में। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों, Amazon पे UPI पे जाना है हमें। एंड यहाँ पे कुछ बैंक मेरे पहले से सिलेक्टेड हैं, हम इनसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है, जैसे मुझे अदर UPI ID से करना है, तो मैं यहाँ पे अदर UPI ID से करूँगा। Amazon पे पे पहले मैंने पहले से ही एक UPI ID रजिस्टर कराया था, बट उससे करना नहीं है। तो हम चलते हैं अदर UPI ID पे, एंड यहाँ पे अदर UPI ऐप इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर हमें डालना है UPI ID, तो हम UPI ID डाल लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम UPI ID डाल लेंगे। UPI ID डालने के बाद दोस्तों, इसको करना है वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कहना है हमें प्लेस ऑर्डर एंड पे। एंड ये देखिए गो टू UPI, ये जा रहा है। अब ये देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेमेंट करूँगा। जितना भी बच गया था वो पेमेंट यहाँ पे आ गया। अब ये पेमेंट मैं यहाँ से करूंगा दोस्तों, तो सेंड पे चलते हैं।
एंड ये देखिए 595 रुपये का पेमेंट मैं कर रहा हूँ, बाकी 2004 रुपये का पेमेंट अमेजन का जो मेरे पास कैशबैक था, जो मुझे वाउचर मिला था उससे मैंने करा है। तो ये देखिए डन हो गया। अब हम चलते, अब ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली डन का आ गया है मैसेज। अब वेटिंग पेमेंट कन्फर्मेशन फॉर बैंक वॉलेट, ठीक है। अब ये देखिए कन्फर्म कर रहा है बिलर को, ये डन पेमेंट यहाँ पर डन, देखिए आ गया ना इंश्योरेंस बिल पेमेंट भी प्रोसेस सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से पॉलिसी नंबर नीचे दिखा रहा है और ऑपरेटर रेफरेंस नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी, अगर आपके पास कैशबैक हो अमेज़न पे में या फिर कोई वाउचर हो, तो आप उस पैसे को भी यूज करके LIC का पेमेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत जो होगा वो आपको अपने डेबिट कार्ड या UPI से आप पे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको कोई सवाल हो। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।